हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको पत्ता गोभी खाना नहीं पसंद है तो एक बार इस तरह से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें 500 ग्राम पत्ता गोभी चाहिए। इसको हम इस तरह से बीच से काट लेंगे और इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं काटना है, रफली हमें इसे काट लेना है। इस देखिए, हमने इसे रफली काट लिया बड़े बड़े पीसेस में। और 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हमने, उसे बीच से इस तरह से काट लिया है। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। एक गिलास पानी डालेंगे इसमें और 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे हम बंद करके गैस पे रख देंगे। इसमें हमें 3 सीटी आने देना है। तीन सीटी इसमें आ गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। हमें 3 मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियां, इन सबको हम काट लेते हैं। देखिए, हमने काट लिया है, टमाटर का पेस्ट बना लिया है। इसे साइड में रखेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा नहीं पसंद है आपको तो इसे स्किप कर सकते हैं, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे हम और पतला करेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, इसे साइड में रखेंगे। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए, 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, तेल को गरम होने देंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, जीरे को चटकने देंगे। दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, उनको डालेंगे, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, उनको डालेंगे। थोड़ी देर इन्हें भुनेंगे। अब हम इसमें कटे हुए लहसुन डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, उनको डालेंगे और इन्हें थोड़ी देर भुनेंगे। लहसुन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे, प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें सुराहना कलर आ गया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था उसको इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है।
अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इन्हें भुनना है। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पे ही हमें मसाले को चलाते रहना है। इनको अच्छे से भून लेना है। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। मसाले और प्याज को 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पकने देते हैं। और हम जो आलू उबाले हैं उसको चल के देख लेते हैं। कुकर को हमने ठंडा होने दिया था, उसकी सीटी निकल गई है। कुकर को खोल के हम लोग देखते हैं। देखिए आलू और पत्ता गोभी हमारी उबल चुकी है। इसको आलू को हम इसमें से निकाल लेते हैं। अगर कोई आलू ऐसा है जो नहीं सही से उबला है उसको हम सब्जी के साथ ही पका लेंगे। सारे आलू हम निकाल लेते हैं। इसके पत्ते गोभी को साइड में कर देते हैं। इसका पानी, देखिए जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम सब्जी में डाल देंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पत्ते गोभी जो हमने उबाला है वही पानी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए आलू को मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इनको डालेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम पत्ता गोभी को भी पानी के साथ डाल लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को आप स्लो कर देंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक करके 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल लेंगे, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इन्हें पका लेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आलू पत्ता गोभी की सब्जी हमारी रेडी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।